उज्जैन में देवास रोड पर शुक्रवार की सुबह सड़क से गुजरते दो पहिया वाहनों को एक परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन पर निकलते लोगों की आंखें जलन करने लगी और सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। दरअसल पुलिस लाइन में पुलिस बल की साप्ताहिक परेड और दंगे की भीड़ से निपटने की ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस साल विधानसभा चुनाव है, इसी के चलते बलवा ड्रिल शुरू की गई है। पुलिस लाइन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी बलवा ड्रिल में शामिल हुए, जहां आधे पुलिसकर्मी दंगाई बने और आधे पुलिसकर्मी बलवा किट में तैनात थे। जैसे ही दंगाई बने पुलिसकर्मियों ने पथराव और उपद्रव शुरू किया तो पुलिसकर्मियों ने पहले बैरिकेड से इन्हें रोका। जब अनियंत्रित हो गए तो अश्रु गैस के गोले छोड़े। इस दौरान पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। इसका धुआं पुलिस लाइन के मैदान से देवास रोड सड़क की ओर आ गया। नतीजन सड़क से गुजरने वाले दो पहिया वाहन चालक आंसू गैस की चपेट में आ गए। राह चलते लोगों की आंखों में जलन होने लगी, कुछ को सांस लेने में परेशानी होने लगी। उज्जैन जिले के पुलिस लाइन में आज बलवा ड्रिल की रिहर्सल की जा रही है। इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज यही किया है कि इसको प्रतियोगिता का जो फॉर्मेट है वो दे दिया गया है। आने वाले समय में लगातार त्यौहार वगैरह सभी रहेंगे तो उसकी तैयारी को लेके जो कार्य योजना है उसी के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। इसमें बैच वाइज बनाया गया है और जिसका भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। बता दें, एसपी सचिन शर्मा के निर्देश पर प्रति शुक्रवार को पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड और बलवा ड्रिल होती है। उज्जैन से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।